हेलो स्टूडेंट, आज हम जानेंगे क्लास 9 से हिंदी चैप्टर 4 के सारांश, जिसका शीर्षक है सांवले सपनों की याद, जिसके लेखक हैं जाबिर हुसैन जी। सर्वप्रथम हम लेखक के बारे में जानेंगे। जाबिर हुसैन जी का जन्म 1945 में गांव नोनही, राजगीर, जिला नालंदा, बिहार में हुआ। वे अंग्रेजी भाषा एवं साहित्य के प्राध्यापक रहे। इन्होंने सक्रिय राजनीति में भी भाग लिया और विधानसभा के सदस्य, मंत्री और सभापति भी रहे। बच्चों, लेखक जाबिर हुसैन जी हिंदी, अंग्रेजी और उर्दू तीनों भाषाओं में समान अधिकार के साथ लेखन करते रहे हैं। उन्होंने हिंदी में लिखा है जो आगे है, डोला बीवी की मजार, अतीत का चेहरा, लुंगा और एक नदी रेत भरी। इस पाठ की शुरुआत यहाँ से होती है। इस पाठ में सांवले सपने की याद पाठ में एक व्यक्ति का चित्र खींचा गया है, अतः यह एक व्यक्ति का ही चित्र है। लेखक का कहना है कि सुनहरे रंग की पंछियों के पंखों पर सांवले सपनों का एक हुजूम सवार होकर मौत की खामोश वादी की तरफ चला जा रहा है। उस झुंड में सबसे आगे सलीम अली जी चल रहे हैं। लेखक का यहाँ पे ये कहना है कि सलीम अली जी का आज मृत्यु हो गया। उन्हें बहुत प्रकृति से, यानी पंछियों से, पेड़ पहाड़ों से बहुत प्रेम था, जिसके आज उनके चले जाने से आज वादियां खामोश हो गई हैं और वो उस झुंड में सबसे आगे चले जा रहे हैं। लेखक कहते हैं कि वे सैलानियों की तरह एक अंतहीन यात्रा की ओर चल पड़े हैं। इस बार का सफर उनका आखिरी सफर है। इस बार उन्हें कोई भी वापस नहीं बुला सकता, क्योंकि वे अब एक पक्षी की तरह मौत की गोद में जा बसे हैं। लेखक का कहना है कि सलीम अली इस बात से दुखी तथा नाराज थे कि लोग पंछियों को आदमी की तरह देखते हैं, लोग पहाड़ों, झरनों तथा जंगलों को भी आदमी की नजर से ही देखते हैं। ये गलत है, क्योंकि कोई भी आदमी पंछियों की मधुर आवाज सुनकर रोमांचित हो सकता है। लेखक कहते हैं कि वृंदावन में भगवान कृष्ण पता नहीं कब रासलीला की थी, मतलब उनका कहना है कि वो कब किए थे रासलीला, कब ग्वाल बालों के साथ खेले थे, कब माखन खाया था, कब बांसुरी बजाई थी, कब वन विहार किया था। किंतु आज जब हम यमुना के काले पानी को देखते हैं, तो ऐसा लगता है कि अभी अभी भगवान श्री कृष्ण बांसुरी बजाते हुए आ जाएंगे और सारे वातावरण में संगीत का जादू छा जाएगा। वृंदावन से कृष्ण की बांसुरी का जादू कभी खत्म ही नहीं होता। सलीम अली जी ने बहुत भ्रमण किया था तथा उनकी उम्र 100 वर्ष की हो रही थी, अतः उनका शरीर दुर्बल हो गया था। मुख्यतः वे यात्रा करते करते थक चुके थे, किंतु इस उम्र में भी उनके अंदर पंछियों को खोजने का जुनून सवार था। दूरबीन उनकी आंखों पर, यानी सलीम अली जी के आंखों पर या गर्दन पर पड़ी ही रहती थी तथा उनकी नजर दूर दूर तक फैले आकाश में पंछियों को ढूंढती रहती। उन्हें प्रकृति में एक हंसता खेलता सुंदर सलोना संसार दिखाई देता था। इस सुंदर रहस्यमय दुनिया को उन्होंने बड़े परिश्रम से बनाया था। इसको बनाने में उनकी पत्नी तहमीना का भी योगदान था। सलीम अली केरल के साइलेंट वैली को रेगिस्तान के झोंकों से बचाना चाहते थे, इसलिए वे एक बार पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह से भी मिले थे। चौधरी चरण सिंह गांव में जन्मे हुए थे और गांव की मिट्टी से जुड़े हुए थे, अतः वो सलीम अली जी को पर्यावरण की सुरक्षा संबंधी बातें सुनकर भावुक हो गए थे। आज ये दोनों व्यक्ति नहीं हैं। अब देखते हैं कि हिमालय के घने जंगलों, बर्फ से ढकी चोटियों तथा लेह लद्दाख की बर्फीली जमीनों पर रहने वाले पंछियों की चिंता कौन करता है।
शालिब अली जी ने अपनी आत्मकथा का नाम रखा था फॉल ऑफ ए स्पैरो। लेखक को याद है कि डी एच लॉरेंस की मृत्यु के बाद जब लोगों ने उनकी पत्नी फ्रीडा लॉरेंस से अपने पति के बारे में लिखने का अनुरोध किया तो वे बोली थी कि मेरे लिए लॉरेंस के बारे में लिखना असंभव सा है, मुझसे शायद तो उनके बारे में छत पर बैठने वाली गुरैया जानती है। उनका कहने का मतलब ये था कि वो पंछियों के साथ, प्रकृति के साथ इतना लगाव रखते थे कि मैं क्या उनके बारे में बता सकती हूँ जितने ये प्रकृति उनके बारे में बता सकती है। बचपन में अन्य बच्चों के समान शालिम अली जी भी अपनी एयर गन से खेल रहे थे। खेलते समय उनकी एयर गन से एक चिड़िया घायल होकर गिर पड़ी थी। बच्चों उसी दिन से शालिम अली जी के हृदय में पंछियों के प्रति दया का भाव जाग उठा और वे पंछियों की खोज तथा उनकी रक्षा के उपायों में लग गए। प्राकृतिक रहस्यों को जानने के लिए निरंतर प्रयास करते रहे। इसके लिए उन्होंने बड़े से बड़े तथा कठिन से कठिन कार्य किए। आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, या फिर कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएं। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे आपको मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। थैंक यू बच्चों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।